नमस्कार दोस्तों, दिवाली के दिन पर हम लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन होता है और लक्ष्मी के दिन आपके घर में धन आता रहता है। अगर आपके घर में कुछ ऐसे कार्य होते हैं यदि आप दिवाली के दिन करते हैं तो उसकी वजह से आपके घर में धन की हानि हो सकती है। जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं यदि आप दिवाली के दिन करते हैं तो आपको धन की हानि हो सकती है। नंबर एक, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग अगर जल्दबाजी में होते हैं और नीचे पूजा चल रही हो और वह बिना नहाए धोए ही फूल या पत्तियां तोड़कर ले आते हैं और उसे पूजा में शामिल कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इस दिवाली अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा रहे, वह आपसे रुष्ट ना हो, तो उसके लिए आप बिना नहाए धोए आप कोई भी फूल या फिर पत्ती तोड़कर नहीं लेकर आएंगे। नंबर दो, यदि आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप फ्रिज में रखे हुए एक दिन बासी फूल माता को ना अर्पित करें। हमने अक्सर देखा है कि आपको सुबह जल्दी पूजा करनी है, सुबह जल्दी पूजा करने के लिए आप एक दिन पहले ही फूल ले आते हैं और फूल लाकर फ्रिज में रख देते हैं और उसे अगले दिन जिस समय आपको पूजा करनी होती है तो वह फूलों को शामिल कर लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वह फूल बासी हो जाते हैं। यदि आप बासी फूल माता लक्ष्मी पर चढ़ाते हैं तो वह आपसे रुष्ट हो सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा रहे और आपसे वह रुष्ट ना हो तो इस दिवाली पर आप ये कार्य बिल्कुल ना करें। नंबर तीन, आप सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे पहला कार्य है कि घर की साफ सफाई करें और उसके बाद अपना स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई भी त्यौहार होता है तो सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्ग को उस त्यौहार की बधाई देनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह बड़ा शुभ माना जाता है। जिस घर में बड़ों की इज्जत होती है या फिर अपने से बड़ों का आदर सम्मान होता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा उसी जगह पर बरसती है। 5 दिनों का ये त्यौहार यदि आप अपनी खुशी के साथ मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाके इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और इस दिवाली पर भी यदि आप अपने या फिर अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने आसपास पड़ोसियों के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत खास माना जाता है। भूलकर भी बड़े बुजुर्ग की बेइज्जती ना करें या फिर उन्हें ऐसा कुछ ना बोलें जिसकी वजह से उन्हें लगे कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। यदि आप अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो माँ लक्ष्मी रूठ सकती है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो दूर, माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएंगी। नंबर पाँच, हम अक्सर देखते हैं कि दिवाली की पूजा हम लोग शाम को करते हैं और अखंड ज्योत भी जलाते हैं। यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसके लिए आपको रात भर बैठना होगा क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि रात भर दीपक जल रहा है तो उस समय पर आपको भी सोना नहीं चाहिए। आप उस समय पर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और माता लक्ष्मी के ध्यान के साथ साथ उनकी स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग दिन में या फिर दोपहर में सोने की आदत रखते हैं। यदि आप में भी कुछ आदतें हैं तो आप इस दिवाली पर उस आदत को भूल जाइए। यदि आप इस दिवाली पर दोपहर में सोएंगे तो वह आपके धन में हानि कर सकता है और माता लक्ष्मी भी रूठ सकती हैं। तो आप दोपहर में बिल्कुल ना सोएं, बल्कि दिवाली के दिन या 5 दिनों के इस त्यौहार में आप दोपहर में ना सोएं तो अच्छा होगा। तो ये है वह कार्य यदि आप इस दिवाली पर करते हैं तो माँ लक्ष्मी रूठ सकती हैं। यदि आप माँ लक्ष्मी को मनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसे तो उसके लिए आप इन कार्यों को बिल्कुल ना करें और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।